हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र को लेकर नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है और परिवार पहचान पत्र में आ रही त्रुटियों को ठीक करने के लिए भी जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नारनौंद के पंचायत कार्यालय में परिवार पहचान पत्र में आई त्रुटियों को ठीक करने के लिए एक निःशुल्क कैंप लगाया गया। इसमें नारनौंद शहर के सभी BLO और CSC सेंटर संचालकों की ड्यूटी लगाई गई ताकि किसी भी पहचान पत्र में आई त्रुटि को ठीक कर सकें। BLO उदय सिंह ने कहा कि नारनौंद के पंचायत घर में ये कैंप लगाया गया है और परिवार पहचान पत्र में आई त्रुटियों को यहां पर ठीक किया जा रहा है ताकि किसी भी नागरिक को कोई परेशानी ना हो। नारनौंद से हमारे संवाददाता दीपक गिरधर की रिपोर्ट। की तरफ से 3 दिन का कैंप लगाया गया है। परिवार पहचान पत्र में कोई भी दिव्यांग या डेट ऑफ बर्थ या इनकम की कोई भी कोरेक्शन है उसको दूर करने के लिए कैंप लगाया गया है। वो 3 दिन का कैंप है जी। सभी BLO और CSC सेंटर वाले और सक्षम बैठे हैं, लोग आ रहे हैं अपनी कोरेक्शन दूर करवा रहे हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।